उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के विकास खंड बिंसड़ा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मोरोली के अमृत सरोवर तालाब के सौंदर्यीकरण के नाम पर ग्राम प्रधान शांति देवी वर्मा एवं ग्राम सचिव राम मूरत की साठगांठ से फर्जी तरीके से रुपए निकालकर भारी भ्रष्टाचार करने का मामला सामने आया। यह आरोप स्थानिक नागरिकों द्वारा लगाया जा रहा है। सरकार भले ही अमृत सरोवर तालाब के सुंदरीकरण के नाम पर लाखों रुपए खर्च करती है, लेकिन धरातल में देखा जाए तो तालाबों की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया है। ऐसा ही एक मामला ग्राम पंचायत मरोली से सामने आया है। ग्रामीणों ने बताया कि हमारी ग्राम पंचायत के अमृत सरोवर तालाब पर ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव के द्वारा तालाब के भीतर के कुछ भाग में लगभग 200 मीटर इंटरलॉक खंडजा का कार्य करा हुए तालाब के चारों तरफ सस्ते लोह के एंगल लगाकर कटीली तार लगवाई गई है। तालाब के रोड का कार्य आज भी अधूरा है। तालाब में पूर्व प्रधानों के कराए हुए कार्यों को अपना बताकर ग्राम प्रधान एवं सचिव वाहवाही बताते हुए अधिकारियों के आंखों में सरे आम धूल झोंकने का कार्य कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रधान प्रतिनिधि दबंग होने के कारण हम लोगों की आवाज दबाई जाती है। कई बार अधिकारियों के शिकायत के बावजूद भी सचिव एवं प्रधान के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। यदि ग्राम पंचायत के कार्यों की सही तरीके से जांच कराई जाए तो और भी मामले उजागर हो सकते हैं, जिसमें अधिकारियों को संज्ञान लेने की सख्त जरूरत है। हाँ भैया, आपका क्या नाम है? राजेंद्र प्रसाद वर्मा। किस ग्राम पंचायत में रहते हैं? ग्राम मरौली। अच्छा, ये बताइए, ये तालाब सुंदरीकरण में है, इसमें प्रधान जी ने क्या क्या काम करवाया? प्रधान ने ज़्यादा से ज़्यादा 150 किलोमीटर मान लो, नहीं मीटर मतलब बनवाया है। अब बाकी सब पुराने प्रधान श्री गोविंद यादव ने बनवाया है, और केवल तार का वो भी बना है, कोई वृक्ष नहीं इसके कार्यक्रम में, न कोई तालाब खुदाई करा है। बस इस तरह, बस कुछ आदमी को शिकायत करे तो सचिव प्रधान सब मिले हैं, मान लो कुछ कोई सुनाई भी नहीं होती। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं करते हैं? कोई सुनवाई नहीं करते। अच्छा, तो प्रधान ने इस तालाब की खुदाई करवाया? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, ये खरंजा का भी काम भी है, अधूरा पड़ा हुआ है? हाँ, इसका भी कम से कम आधे से ज़्यादा पड़ा है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम गंगा प्रसाद कबीर, ग्राम पंचायत मरौली, ब्लॉक बिसंडा, तहसील बगेरू, जनपद बांदा। अच्छा, इस अमृत सरोवर तालाब में क्या समस्या है, क्या काम किया गया है इसमें? अमृत सरोवर तालाब में सर केवल जो है आधे से कम में खड़ंजा डाला गया है। इसके अलावा जो भी कार्य है भूतपूर्व प्रधान शिव गोविंद यादव के समय का है, इसकी जो बाउंड्री है उनके समय की है, वृक्षारोपण है उनके समय का है। 970,000 रुपये में कितना पैसा निकला कितना नहीं ये मुझे जानकारी नहीं है। लगभग कितने मीटर खरंजा पड़ा होगा? लगभग ये सही रूप से 150 मीटर होगा। अच्छा, वो भी अधूरा पड़ा है? वो भी अधूरा पड़ा है। अच्छा, तो ये तार वगैरह जो लगी है कटीली जी, और ये पोल वगैरह लगे हैं, मतलब एंगल लगे हैं जी जी जी, ये किस प्रधान ने लगवाया था? तार और पोल इसी के, और जो इसकी दीवार है, दीवार ये पुराने प्रधान श्री शिव गोविंद यादव की है। जो भी यहाँ पर वृक्ष हैं वो भी पूर्व प्रधान शिव गोविंद यादव के समय के हैं, इनके समय के कुछ नहीं है, एक भी पौधा नहीं है। अच्छा, तो इसकी खुद तालाब की खुदाई इसके समय में नहीं हुई है, जो भी हुई है तो प्रधान शिव गोविंद के समय में हुई है। तो इन्होंने कितना काम कराया लगभग? ये तो मैं आपसे बताऊं, ज़्यादा 20% काम हुआ है पैसे के हिसाब से। अच्छा भैया, आपका क्या नाम है? राम उतार यादव मरौली। अच्छा, ये तालाब सुंदरीकरण में क्या क्या काम प्रधान जी ने करवाए? ये तो सर हमको कुछ समझ में नहीं आते हैं, लेकिन ज़्यादा हम पढ़े लिखे नहीं हैं। जो कार है तो भूतपूर्व प्रधान जो है श्री गोविंद यादव का है, ये थोड़ा हल्का से काम करवाया है, और इसमें कोई कार नहीं करवाया है, केवल दारू पीता है, दारू पिलाता है, बस दारू के मद से घूमता है और 10 आदमियों को दारू पिलाता है, वो इसी की भगते हैं, बस ये इतना कार है इसका। सर कितना हल्का सा काम कराया, कितना दिखाई देता आपको? हमें क्या दिखाई देता है, हमें ये दिखाई देता है कि आधा बना और आधा पड़ा है उसी तरह, खरंजा बीछा आधे तालाब में और आधा तालाब आधा बीटा खरंजा
वैसे पारा। अच्छा, प्रधान जी ने तालाब की खुदाई करवाया? नहीं, ये तो तालाब वही प्रधान ने करवाया। वृक्षारोपण ये कुछ नहीं करवाया, ये सब पुराने प्रधान की। आपने शिकायत कहीं किया है इसकी अभी तक? नहीं, हम अभी तक तो कोई शिकायत नहीं की। महाराष्ट्र टीवी 24 से बबेरू बांदा से रामरूप कुशवाहा की रिपोर्ट। गंजेपन, गंजेपन एक समस्या। क्या आप गंजेपन से छुटकारा पाना चाहते हो? तो आइए साई नेचुरल ब्यूटी केयर। गंजेपन से छुटकारा केवल 1.5 से 2 घंटे में। विदेश की टेक्नोलॉजी अब भारत में। अमेरिकन नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट सेंटर। कंप्लीट हेयर वॉशेबल, हेयर वीविंग, बॉन्डिंग, टैटू एंड पियर्सिंग सेंटर। परमानेंट एंड टेम्पररी टैटू। साई नेचुरल ब्यूटी केयर। मिस्टर विनोद जमदाडे 9552333129 एंड 9226210293। आवर ब्रांच शॉप नंबर 114 सदोदय प्लाजा नियर पोदरेश्वर राम मंदिर सीए रोड नागपुर एंड हरि अर्चना कॉम्प्लेक्स ब्लॉक नंबर 49 ऊटखाना रोड मेडिकल स्क्वायर नागपुर।